What are the things we do that harm us and harm others very badly? हमारे कौन कौन से काम हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भयानक तौर पर हानि पहुंचाते हैं श्रोतागढ़ अगर आप धर्म ग्रंथ के अनुसार जाएं तो देखेंगे कि जो बहुत पुराने धर्म है जैसे जीव जीव लोगों के धर्म के अनुसार भगवान ने उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनके साथ समझौता क्या कॉवेनेंट शब्द है कॉवेनेट जिसमें भगवान ने कहा कि मेरी इन इन बातों को मानो तो तुम्हें बदले में ये ये मैं दूंगा करीब साढ़े पांच सौ ऐसे समझौते हैं भगवान और उनके प्रॉफिट के बीच में आप विश्वास करो विश्वास नहीं करें सच्चाई है ऐतिहासिक सच्चाई है ये अगर आप नहीं मानते हैं एक जहूदी होकर के तो किसी न किसी रूप में आपको नरक जाना पड़ेगा बहुत स्पष्ट नहीं है उसके बारे में इस्लाम इस्लाम में इतने सारे प्रॉफिट्स नहीं है एक ही है और उनके भगवान ने उनके जो प्रॉफेट थे कुरान के माध्यम से जो आदेश दिया यहाँ समझौता नहीं है जूस में समझौते हैं लेकिन यहाँ पर आदेश है जो पाक कुरान होली कुरान में हम लोग पाते हैं उसके बाहर अगर वो लोग जाएंगे तो उनके लिए वह हराम शर्क ये सब शब्द कहते हैं और ये अगर अधिक हो जाए और क्या क्या है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन तो दो में और जो लोग मुसलमान नहीं है उनको तो दो में जाना ही जाना है यानी सबसे बड़ा पाप जो आप करेंगे जो आपको हानि पहुंचाएगा वह है कि अगर आप इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं उनकी मान्यता है ईसाई धर्म उनमें उनके प्रॉफिट ने इस तरह से आदेश नहीं दिए इसलिए यह आदेश चर्च देता है चर्च को उन लोगों ने कह दिया कि ऐसे इस्लाम में है कुरान कहता है कि यह पवित्र है अल्लाह का दिया हुआ है जो इसे नहीं मानेगा वह जो भी है उसी तरह से चर्च बोल दिया जीसस का शरीर है जो इसको नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा और अब जो भी बोलेगा चर्च उसमें यही होगा अब यह दूसरी बात है कि चर्च अपनी अपनी ही बातों को बदलता रहता है जैसे गैलीलियो को माफी मांगनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के ओर घूमती है बस इसके लिए उन्हें चूंकि चर्चे सा नहीं मानता है तो देखिए इसको आप क्या बोलेंगे आप अपना सोचिए इसको आप सही माने गलत माने आप पर निर्भर करता है यह तो हुई जो किताबी बातें उसी तरह से पारसी धर्म है पारसी धर्म के अनुसार उनके अहुर मजदा जो भगवान है और अहिरमन भगवान के शत्रु इन दोनों में लड़ाई चल रही है और इन लड़ाई में भगवान अपेक्षा करते हैं कि आप अच्छे का साथ देंगे लेकिन लड़ाई का निर्णय पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है भगवान ही जीतेंगे लेकिन आपको साथ देना है साथ देंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे <coughs> हिंदू धर्म में ऐसी बचकानी बातें नहीं है और हिंदू धर्म में अच्छा जो होता है बुरा जो भी होता है पर्सनल कुछ नहीं होता है किताब में लिखा हुआ है ऐसा ऐसा नहीं ऐसे नहीं है मनुस्मृति मनुस्मृति में हमारे टॉक्स हैं प्लेलिस्ट में देखेंगे मनुस्मृति कहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है इसके विचार में चार बातें आती हैं वेदों में क्या है स्मृति ग्रंथों में क्या है समाज के बड़े लोग क्या कह रहे हैं आचार्य क्या कह रहे हैं और आपका अंतर मन क्या कहता है यह भी देखेंगे आप थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर मुझे पूछे तो योग शास्त्र में बहुत सुंदर कहा गया है यम यम का अर्थ होता है कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को चाहे वह कहीं का भी हो पालन करे अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय परिग्रह सत्य का आप लोग जानते हैं सच बोलना अहिंसा शरीर या मन से शरीर या मन में कोई हिंसा का भाव नहीं रखना प्राणी को कष्ट नहीं देना शब्द से हो शरीर से हो या मन से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है जिस चीज की अनुमति समाज ने है आपको उसके बाहर कोई यौन संबंध नहीं बनाए यानी पति पत्नी कर सकते हैं लेकिन इसके बाहर नहीं अस्त्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना अपरिग्रह का अर्थ होता है दूसरों से भेंट नहीं लेना गिफ्ट इनमें आप देखेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म के अनुसार केवल अहिंसा अगर पालन होता है तो जो बाकी चार हैं इनका पालन हो जाता है यानी अगर आप झूठ बोलते हैं तो सत्य के प्रति हिंसा है लेकिन खैर हम लोग इन पांच को अगर रखें तो बात समझ में आ जाती है खलीद हुसैनी करके बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द काइट रनर बहुत प्रसिद्ध है अफगानिस्तान के जीवन जनजीवन पर आधारित है बहुत सुंदर पुस्तक है उपन, उपन्यास द काइट रनर काइट रनर के शुरू में ही उन्होंने अस्तेय शब्द अस्तनी किया है स्टीलिंग इनको उन्होंने बनाया नापने का वो स्टैंडर्ड लाई यू आर स्टीलिंग ट्रुथ वीन यू आर है एक्स्ट्रा मार्टल अफेयर यू आर स्टीलिंग अवे ब्रह्मचर्य आर स्टीलिंग अवे संबधि फ्रॉम समि किसी भी एक को अगर स्टैंडर्ड अब बनाते हैं तो बाकी उसके द्वारा व्याख्या कर दी जा सकती है और हर धर्म देखेंगे किसी ना किसी रूप में दीज फाइव पतंजलि ऑल्सो सेज दैट दीज फाइव आर यूनिवर्सल सो इफ यू आस्क मी वट हार्मी सी इफ इफ द बिलीव दैट इफ यू डोंट बिलीव इन अल्लाह विल पुश यू टू हेल अगर ये सच होता तो संसार में इतने हिंदू इतने क्रिश्चियन नहीं होते वैल्यूज आदि को इम्पर्सनल जितना रखा जाता है उतना सही होता है इन सारी चीजों को बहुत सहज तरीके से मेरी छोटी सी पुस्तक है द हिंदू वे उसमें कहा गया इंक्लूसिव वसुधैव कुटुंबकम सबको अपना मानना एंड नॉट इंक्लूडिंग इन टू दी लाइफ ऑफ अदर्स दूसरे का जो जीवन है कहते ना दूसरे की फटी में टांग मत मतड़ाना तो सबको अपना मानिए लेकिन दूसरों की फटी में टांग मत मतड़ाइए यह सबसे अच्छा तरीका है आप अपने आप को हानि पहुंचाएंगे अगर आप योग शास्त्र के अनुसार जो पांच जो गुण दिए गए हैं जो सबको मानना चाहिए इसका अगर उल्लंघन करेंगे तो आप अपने को हानि पहुंचाएंगे दूसरों को हानि पहुंचाएंगे